जगह मैं खड़ा हूँ वह इसी वही स्थान है जहाँ पे जो है कि लाखों की एक दिन में लूट होती थी, पुलिस वाले लूटते थे। अखिलेश यादव जी ने ट्वीट करके कहा कि जहाँ पहले सुनाई देता था कि पुलिस चोर होता था, लेकिन अब इस समय पुलिस चोर नहीं हो रहा है, अब पुलिस पुलिस हो रहा है। आपको दिखा रहे हैं, ये जो मार्ग है पटना से जोड़ता है, आरा से जोड़ता है, पत्थर को जोड़ता है, और इधर जो है कि बलिया को जोड़ता है, और उसके हालांकि बलिया में ये पड़ता है, और इधर जो है कि गाजीपुर को जोड़ता है, और ये इधर चले जाएंगे जो है कि लखनऊ को भी है जोड़ देगा रास्ता। लेकिन यहाँ पे कुछ दिन पहले यानी 2-3 दिन से पहले जो है कि यहाँ पे लंबी कतार एक रखती थी, और पूरा जो है कि ट्रक का भरमार लगता था, और यहाँ पे कम से कम 30 से 40 लोग खड़ा रहते थे, और उनसे इसका खेल होता था, पैसे लिया जाता था उनसे, और जब पैसे लिया जाता था बैरिगेटिंग आप लोग देख सकते हैं अभी समय ऐसे खड़ी है, लेकिन यह इस तरह से होता था, और यहाँ पे ट्रकों को रोका जाता था और यहाँ से पैसा लिया जाता था। लेकिन कुछ लोग तो ईमानदार रहेंगे भैया, जो ईमानदार है उसको उसकी ईमानदारी को कोई खरीदा नहीं जा सकता। कुछ ईमानदार अधिकारी यहाँ पे आए और यहाँ पे छापा मारा उन्होंने रात में आकर, और यहाँ पे पकड़े गए, और लगभग जो है कि 40 लोग यहाँ पे पकड़े गए, मोटरसाइकिल से लेके जो है कि मोबाइल से लेके अन्य सामानों तक। और अभी भी यहीं पे जो थाना है यहाँ का वो थाना सीज हो चुका है। आप लोग जानते होंगे कि नरही थाना एक है, वो नरही थाना जो है कि सीज पूरी तरह से हो चुका है। अब देखिए, जो भरौली नरही थाना अंतर्गत भरौली में जो घटना हुई है परसों की, सर्वप्रथम तो मैं इसके लिए डीआईजी आजमगढ़ और एडीजी बनारस को वाराणसी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। लेकिन यह घटना पुलिस की जो यह भ्रष्टाचार की घटना जो उजागर हुई है, पूरे जनपद के पुलिस के भ्रष्टाचार का एक जीता जागता नमूना, पूरे प्रदेश की पुलिस जो है इस भ्रष्टाचार में शामिल, पूरे बलिया जनपद की पुलिस इसलिए पूरे बलिया जनपद की पुलिस शामिल है। इसलिए हम ये कहना चाहूँगा कि क्या ये संभव है कि पुलिस कप्तान के मर्जी के बिना कोई ऐसे एसओ जो है, कोई एसएचओ सालों साल वसूली कर लेगा, एक दिन कर लेगा, दो दिन कर लेगा, सालों साल यहाँ लगा करके लोगों को बैरिकेडिंग करके वसूली कर रहा है सालों साल, ये संभव ही नहीं है। कप्तान अगर चाह दे तो कप्तान के मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता है। हम लोग कई कप्तानों को देखे हैं, प्रभाकर चौधरी जब इस जिले में थे, प्रभाकर चौधरी ने पर्चा छपवा करके अपना मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर बटवा दिया था कि अगर कोई पुलिस वाला पैसा मांगता है तो हमारे यहाँ सीधे व्हाट्सएप करो, हमें फोन करो, और पूरे जनपद की पुलिस जो है, पूरे जनपद की पुलिस एक रुपया जब तक प्रभाकर चौधरी थे एक रुपया नहीं लेने का काम किया। तो हमारा यह मानना है कि ये तमाम जो नौटंकियां हुई हैं इसमें दो ही लोग दोषी हैं, एक तो एसपी के आदेश के बिना, एसपी के मर्जी के बिना एसओ यहाँ वसूली नहीं कर सकता है, और दूसरा एसओ के मर्जी के बिना भरौली में एक रुपया की वसूली संभव नहीं है। अच्छा, उन्होंने आकलन लगाया कि 5 लाख का डेली जो है कि यहाँ पे वसूल होता था, आपका क्या कहना है? देखिए, डीआईजी साहब तो चूंकि कम यहाँ आते हैं, यहाँ उनका आकलन में हम थोड़ा संशोधन करना चाहेंगे कि 5 लाख नहीं, यहाँ समय समय की बात है, और जब गर्मी के दिनों में जो बालू धुआंधार चल रहा था तो यहाँ 10 लाख से 15 लाख रुपया की वसूली हुआ करती थी। यदि बीच में 15 जून के बाद थोड़े बालू का आवक कम था, इसलिए कि गाजीपुर पुल भी प्रतिबंधित है बड़े वाहनों के लिए, बलिया दूर पड़ जाता है, और ये जो दानापुर से बक्सर जो हाईवे बन गया है तो सारी बड़ी गाड़ियां, और 17 किलोमीटर पर पूर्वांचल मिल जा रहा है, तो सारी बड़ी गाड़ियां जो है बिहार के रास्ते दानापुर से बालू लेकर के बिहार के रास्ते बक्सर से होकर के और भरौली पार करके और पूर्वांचल पकड़ने के काम करती है, इसलिए हजारों हजार के संख्या में ट्रक यहाँ से आते थे, पार होते थे। और केवल बालू की का सवाल नहीं है, बालू में तो ये 500 रुपया लेते थे, जो बालू उनके कायदा कानून में कागज पत्र सही था तब लेते थे 5 रुपया, 500 रुपया, 500 रुपया में 400 पुलिस वाले लेते थे, 100 रुपया जो है उसके स्थानीय लोग जिनको मजदूरी पर रखे थे, प्रति ट्रक 100 रुपया पुलिस वाले देते थे। लेकिन जो ट्रक ओवरलोड करके आता था उससे 2000 से 2500 रुपया, 3000 रुपया जबरन वसूल किया जाता था अगर ओवरलोड है तब, इसलिए उनकी कमाई उसमें बढ़ जाती थी। उसके अलावा यहाँ दारू, बिहार में चूंकि दारू बंद है, भरौली से लेकर के कोटवा नारायणपुर तक यह नदी के किनारे का या गंगा किनारे का या बॉर्डर का एरिया है, हर गांव में 2-4-5 नौजवान
उनको यह सरकार ने बिगाड़ दिया है और यह पुलिस वालों से मिली भगत करके यह शराब तस्करी का सेफ जोन बन गया है नरही थाना, कोटवा नारायणपुर से लेकर के और नरही तक ये शराब तस्करी होती है। इसमें पुलिस को खुद पैसा मिलता है, पैसा दीजिए पुलिस से डायरेक्ट दरोगा वो डायरेक्ट एसओ के टच में है, एसओ को डायरेक्ट पैसा दीजिए, चाहे आप नाव से ले जाइए, डीसीएम से ले जाइए, पिकअप से ले जाइए, बोलेरो से ले जाइए, कोई रोकने वाला नहीं। एक तो बालू, दूसरा कोयला, तीसरा ये शराब तस्करी, चौथा गोकसी। एक सेकंड के लिए नहीं, ये सरकार कहती है हम गोरक्षा करने वाली सरकार है, योगी जी बार बार बयान देते हैं कि जो वो हत्या करेगा वह ऊपर पहुंचा दिया जाएगा, और यहाँ एक सेकंड के लिए गोकसी बंदे नहीं हुई, एक सेकंड के लिए नहीं। जब पुरानी बड़ा बड़ा दावा कर रहे थे वो फेल हो गया, पुरानी पुल जब चालू थी तो पिकअप से जाता था, प्रति जानवर 500 रुपया दे के लोग ले जाते थे, चाहे वो गाय माता हो, चाहे सांड बाबा हो, चाहे भैंस हो, चाहे पाड़ा हो, पाड़ी हो, बाछा हो, बाछी हो, 500 रुपया दो और ले जाओ। अब जब जब से नई पुल चालू हो गई है तब तो बड़ी बड़ी ट्रकें पर्दा बांध करके और प्रति ट्रक 20,000 रुपया पुलिस वाले लेते हैं और लेके सुरक्षित तरीके से वो चले जाते हैं, पहुंचा देते हैं पुलिस वाला। तो यह अकूत कमाई है ये 4-5 चीजों से, बालू, कोयला, शराब तस्करी, गोकशी, और इसके अलावा एक और है बालू खनन। गंगा नदी का यह किनारा का बेल्ट है और बालू खनन से खनन विभाग और नरही पुलिस के मिली भगत से गंगा जी को बेतरतीब तरीके से इनकी खुदाई करके और ये खनन माफिया लोग बालू की निकासी करते हैं और उसको ऊंचे दामों पर, महंगे दामों पर ले जा करके बेचने का काम करते हैं। प्रति ट्रैक्टर 10,000 रुपया नरही थाने को बांधा गया था और बालू का खनन नरही से लेकर के और कोटवा नारायणपुर तक के बालू का खनन, ये भी एक बड़ी कमाई का जरिया नरही पुलिस की थी। तो इस तरह से मेरा अपना मानना है कि 10 लाख से 15 लाख रुपया प्रति महीना, क्या बिना एसपी के मर्जी के 10 लाख से 15 लाख रुपया कोई एसओ पचा लेगा? नहीं पचा सकता है, वह सबका उसमें शेयर है, स्थानीय नेताओं का शेयर है, स्थानीय पत्रकारों का शेयर है, स्थानीय मीडिया के लोग सबका बंधा हुआ था वहां। बलिया के चीफ ब्यूरो का कोई अगर लोकल पत्रकार अगर समाचार भेजता था तो वहां चीफ ब्यूरो फोन कर देते थे और ये वहां से उनका पैसा पहुंच जाता था। एक समाचार किसी अखबार में इस घटना का, इस वसूली का, एक समाचार किसी टीवी में, किसी अखबार में आज तक आपने नहीं पढ़े होंगे, नहीं देखे होंगे, कोई चलाने वाला नहीं। सबको मैनेज, सबको दरोगा ने मैनेज कर लिया था, सबको मैनेज कर लिया था। तो वही, इसीलिए हमारा मानना है कि कप्तान और एसओ यहाँ थाने पर और वहां चौकी इंचार्ज, यहाँ जो 500 रुपया वसूली होती है वहां प्रति ट्रक 100 रुपया वसूली होती है, वहां भी बाउंसर रखे हैं, वहां भी 2-3 लोग रात को रहते हैं, वो भी वसूली करते हैं, उनका फॉलोअर वसूली करता है, सिपाही लोग बैठ करके सिर्फ पैसा लेते हैं। तो ये वसूलियां जारी है, तो वहां चौकी इंचार्ज और यहाँ एसओ और मौजूदा कप्तान, वर्तमान में कप्तान, यही लोग इसके जिम्मेदार हैं। अच्छा, जब वसूली होती थी तो उसके वजह से बहुत सारा जाम लग जाता था, अब तो जो है जाम नहीं लग रहा है। जाम लगने का तो अभी कई इधर सीबीएसई के स्कूल हैं, उनकी परीक्षाएं दूर पड़ी थी, वो हमारे सीबीएसई के एम्बिशन के प्रधानाचार्य अजीत राय जी हमको फोन किए थे कि भाई कुछ करिए आप लोग, ये ट्रकों के जाम लगने से हमारे बच्चों की परीक्षा छूट जा रही है, परीक्षाएं चोर से मोटरसाइकिल से ले जाना पड़ता है, बस नहीं निकल पा रही है। तो ये सबको परेशानी थी, आए दिन एक्सीडेंट होता था, आए दिन एक्सीडेंट तो बाढ़ आ गई थी इनके वसूली, इनके जाम से और 2-2, 3-3 घंटा यहाँ से पखनपुरा तक जाम लग जाता था। ना क्षेत्र के लोगों ने जाम को झेला है, इसलिए इस कार्रवाई से देर से ही सही लेकिन दुरुस्त कार्रवाई डीआईजी साहब ने किया है, यह कार्रवाई बहुत पहले हो जाना चाहिए लेकिन नहीं हुआ, देर से ही सही लेकिन सही कार्रवाई हुई है। इसे आम जनता में इसके प्रति कोई नाराजगी नहीं, आम जनता इससे खुश है, 1-8% लोग जो इन्वॉल्व होंगे वही इससे नाराज हैं। चलिए साथियों, जो है कि जो बहुत बड़ा खेल हो रहा था वो बंद हो गया है, डीआईजी जो थे उनके वजह से, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, इस क्षेत्र के लोगों के तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जो ईमानदारी से काम करेगा उसको तो धन्यवाद का पात्र है, उनको धन्यवाद हमारे तरफ से और पूरे लोगों की तरफ से, और यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।